लुधियाना विखे रमन आयुर्वेदिक हस्पताल चलाउण वाले डॉक्टर रुपिंदर ने दावा किया है कि बॉलीवुड के अदाकार संजय दत्त वालों कैंसर के इलाज लिए उन्होंने संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि संजय दत्त के दफ्तर तो उन्होंने फोन आया सी जिस दौरान उन्होंने हस्पताल तो इलाज बारे जानकारी ली है अते इलाज करवाने लिए समा भी लिया। डॉक्टर रमन ने कहा है कि वह आयुर्वेदिक ढंग नाल कई सालों तो कैंसर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने इलाज दियां सैकड़े वीडियो सोशल मीडिया से ने जिसनों वेखण तो बाद उन्होंने वालों राबता कायम किया गया। रमन कैंसर सोसायटी और रमन आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाते साढ़े को दो हस्पताल है जिद असी कैंसर का इलाज करते हैं। ये कैंसर के इलाज करते करते यूट्यूब पर काफ़ी साड़ियाँ वीडियो पे जो संजय दत्त को कैंसर होया उन्होंने सर्च करते करते साड़ी वीडियो सामने आई। उन्होंने दफ्तर चो सू कॉल आई भी उन्होंने पूछा भी असी इलाज करवाना है तो असी उन्होंने टाइम दिता वो उन्होंने कॉल आई भी असी कैमोथेरेपी तो बाद इलाज लिए पहुँचांगे। जो कॉल आई साढ़े हॉस्पिटल साढ़े स्टाफ को कॉल आई उन्होंने सारा पूछा तो मान लो जानकारी हासिल की उन्होंने अपने तौर पर की दफ्तर के कॉल आई सी वो कैमोथेरेपी कराने तो बाद साढ़े को आवगे तो उन्होंने टाइम लिया हुआ सा दफ्तर चो उन्होंने दफ्तर चो सी उन्होंने कहा भी दफ्तर चो असी दफ्तर च बोलते ना नहीं असी पूछा भी ना कौन सी तो दफ्तर चो कॉल आई सी ना इन्ना असी किसी को पुछते ही कौन बोलना कोई यूट्यूब चो उन्होंने स्टाफ ने देखी स्टाफ ने देख के उन्होंने देखी भी इन्होंने रबता कायम करिए तो जो कोई भी बीमार होंगे तो वह सर्च मार सर्च नैट से सर्च करके देखते हैं भी कितने कितने जाना चाहिए वो साढ़े को आवगे कैमोथेरेपी तो बाद साढ़े को आवगे तो असं उन्हों का इलाज करा इलाज भी असं फ्री कर सकते उन्होंने उन्होंने ऑफर है। उन्होंने संजय दत्त ने ही कहा संजय दत्त के दफ्तर तो बोलते तो संजय दत्त को कैंसर है जो लंग कैंसर हुआ तो वो बारे वो गल करते तो असं उन्होंने कहा भी असं उन्होंने ऑफर है भी असं उन्हों का इलाज करा बिल्कुल उन्होंने सही कर लाँगे। नहीं नहीं संजय दत्त ने गल नहीं की उन्होंने दफ्तर चो ही मान लो उन्होंने कोई होगा रिलेटिव जिन्हें गल की है।